कि आपने फायर फाइटिंग वाले से एनओसी ले लिया है, आपने बिजली विभाग से ले लिया है। दूसरा वॉलेंटियर का जहाँ तक बात है, सबसे मेन जो मेरा बात करने का, भूलियोपी परिसर में प्रभारी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति के सदस्यों और शांति समिति के सदस्य से राय शुमारी की। पूजा समिति के सदस्यों ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कराने, सुरक्षा को प्राथमिकता देने, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने, मेला में शांति बहाल करने को लेकर प्रशासनिक सहयोग मांगा। वहीं अभिनव कुमार ने कहा कि पूजा के दौरान पूजा कमेटी के सदस्यों के मांग के अनुरूप कार्य किया जाएगा। पूजा के दौरान अफवाह फैलाने वालों की सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शांति से पूजा संपन्न करने को लेकर हर संभव प्रयास से किया जाएगा। बैठक में संकट मोचन पांडे, अजीत कुमार सिन्हा, शशि भूषण सिंह, सनोज कुमार, राजू प्रसाद हाड़ी, प्रिंस कुमार, संकल्प दीप सिंह, पूर्व पार्षद रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू, पूर्व पार्षद अशोक यादव, कैलाश गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल थे। बताएंगे सर क्या कुछ लेकर आज भोली ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के जितने भी पूजा समिति हैं उनके समक्ष चर्चा हुआ कि किस तरीके से पूजा का आयोजन किया जा रहा है और पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, प्रशासन से क्या उनको चाहिए और प्रशासन को उनसे क्या चाहिए। जैसे कि हम लोग को CCTV, फायर फाइटिंग, ये इसका व्यवस्था सभी जगह दुरुस्त करना है और वॉलंटियर के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि सभी वॉलंटियर को हम लोग, सभी पूजा समिति के वॉलंटियर को हम लोग आई कार्ड इशू करेंगे थाना के स्तर से। उसके लिए भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जितने भी अड्डेबाजी वाला जगह है उन्हीं को चिन्हित करके हम लोग रोज पेट्रोलिंग के माध्यम से अड्डाबाजी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी सामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था चूँकि एक बड़ा जगह है भूली और यहाँ पे ABCDE सभी ब्लॉक में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है और पूरे धनवाद की भीड़ जो है यहाँ पे एकत्रित होती है, तो इसको लेकर के भी हम लोग सचेत हैं। इस बार हम लोग ट्रैफिक पे भी अलग से कुछ उसका व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो उत्पन्न उतना ना हो। पूरी तरीके से तो ख़त्म करना संभव बात है लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उसको हम रिड्यूस कर सकें। पिछले साल हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा एक बड़ा फेस्टिवल है और हम चाहते 10 दिनों तक चलता है जो फेस्टिवल, दसवीं को विजयदशमी भी होता है, उसमें रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी समुदाय के लोग इसको हंसी खुशी और शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। और सोशल मीडिया पे हम लोग खास करके विशेष करके अलग अलग ग्रुप में जितने भी यहाँ लोकल ग्रुप है सभी ग्रुप में हम लोग अलग अलग नाम से अपना अपना घुसे हुए हैं और जितने भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया का भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी में कोई गलत मैसेज ना फैले, किसी का किसी धर्म को आहत पहुंचाने वाला कोई मैसेज ना आए, अगर आता है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल था कि सर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आपने कुछ कहा था? सर महिलाओं की सुरक्षा का विशेष कर हम लोग को ध्यान रखना है इस बार, क्योंकि हर बार ही ये होता है महिला फोर्स भी हमारे पास रहती है, चूँकि फोर्स की कमी भी होती है हमारे पास बहुत बार, लेकिन जो भी फोर्स होगा और वॉलंटियर से भी हम आग्रह करेंगे इस बार कि वो लोग भी महिलाओं को देखेंगे, कोई महिला को छेड़े नहीं, कोई उनको गलत जगह छुए नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग विशेष करके सतर्क रहेंगे इस बार। अगर हम नहीं बंद करेंगे तो हमारा दावन दान हो ही नहीं पाता। लेकिन 20 ऐसा आदमी हमको दीजिए आप लोग कि जो 20 काम करेगा, जो 20 मतलब सुने का बात, मतलब वो लंपट टाइप का लड़का नहीं चाहिए, और इसके ऊपर केस हुआ है पहले कभी, उसके ऊपर केस है, उसको वैसा भी आदमी हमको नहीं चाहिए। हमको साफ सुथरा छवि का सामाजिक आदमी जो समाज के लिए काम करना है, समिति के लिए काम करना है, वैसा आदमी दीजिए हमको। 20-20 ही दीजिए या 25-25 ही दीजिए, लेकिन हमको अब इससे बोल रहे थे कोई 50, हम 200 आदमी हमारा समिति में कोई बोल रहे थे लेकिन उसमें वो कारगर नहीं है, लेकिन 50 तो फिर भी हमारा वॉलंटियर रहेगा। हमको 50 नहीं चाहिए, हमको 25 ही दीजिए ना। काम करने वाला 25 आदमी रहेगा, हम संभाल लेंगे कितना बड़ा भीड़ रहेगा, लेकिन वो 25 का जो है हमको सारा का एड्रेस, नाम, उसका मोबाइल नंबर के साथ हमको 25 तारीख तक चाहिए हर हाल में। आज हो रहा है 20 तारीख, हमको आप 5 दिन का समय ले लीजिए, हमको 25 तारीख तक दीजिए ताकि उसका हम आईडी कार्ड बना करके बकायदा उसको हम इशू कर सकें, उसको हम दे सकें, ठीक है? सब क्लियर है हम जो बोल रहे हैं? वॉलेंटियर का नाम खास करके, ठीक है, मतलब 20-25 जितने भी लोग हैं वो कम से कम हमको बताइए, हम उनका सभी का आईडी कार्ड बनाएंगे और वो हम देंगे। हमको
फालतू के लोग नहीं चाहिए हमको, वैसे लोग चाहिए जो समिति के लिए काम करना चाहते हैं, सामाजिक लोग चाहिए हमको, जो मतलब खड़ा होकर के अगर हम लोग नहीं भी हैं, पुलिस का वहाँ कमी है तो वो एज ए पुलिस वहाँ पे काम करे और कुछ भी समस्या हो तो हमको बताए और हम लोग जा करके वहाँ कार्रवाई करें। अभी बीच में मिथिलेश जी बोल रहे थे जैसा कि सर अगर हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं कोई अगर उदंड लड़का है या कुछ ऐसा हम लोग पकड़ के रखते हैं समिति के द्वारा किया जाता है तो आप लोग को तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं उसमें, तो हम चाहेंगे कि सबके पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर सरकारी नंबर भी हमेशा ऑन रहता है और मेरा पर्सनल नंबर भी बहुतों के पास है, हम फिर से साझा कर देंगे नंबर। हमको आप कॉल करके बताइए कि सर यहाँ पे फलाना लड़का बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ के रखे हैं, ऐसा नहीं कि फलाना उसको पकड़ के रखिए और हमको बुलाइए, हमको बुलाइए, हम यहाँ से फोर्स भेजेंगे। अगर हम ऐसे भी हम फोर्स रिक्रूट तो करेंगे वहाँ पे, वहाँ ऑलरेडी आपके पास फोर्स का प्रेजेंस रहेगा, उसको आप सौंप दीजिए, वो हमको फोन करेगा, आप फोन कीजिए, हम तुरंत वहाँ गाड़ी भेजेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम करेंगे। हम उससे अंडरटेकिंग लेंगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर पंडाल वाले से भी लेना हमको अंडरटेकिंग, ठीक है, वो पंडाल वाले से जिस दिन हम करेंगे मीटिंग उस दिन हम बताएंगे क्या अंडरटेकिंग में हमको लेना है आपसे। बेसिकली यही है कि आपने फायर फाइटिंग वाले से NOC ले लिया है, आपने बिजली विभाग से ले लिया है, दूसरा वॉलेंटियर का जहाँ तक बात है, सबसे मेन जो मेरा बात करने का